के म्युनिसिपल कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे साहब ने मुझे भी फोन किया था और उन्होंने ये बताया कि औरंगाबाद शहर के हालात कुछ इस तरह से है कि हमारे पास लॉकडाउन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हम यकीनन समझ सकते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों ने प्रिकॉशंस जितने लेने चाहिए उतने लेने चाहिए, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है, देश भर में कोरोना फैला हुआ है, तो महज सिर्फ औरंगाबाद में लॉकडाउन लगाना किस हद तक सही है। इसके बावजूद भी मैं इसी यही कहना चाहूँगा कि अगर चार अधिकारी अगर अपने एसी कैबिन के अंदर बैठकर अगर ये फैसला लेंगे कि हम अब कल से शहर को पूरा बंद कर देंगे, तो वो फैसला सुनाने के साथ साथ ये फैसला भी ज़रूर सुनाना कि जो लोग गरीब लोग हैं, जिन जो रोज़ सुबह मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करने के बाद रात में उनके घर का चूल्हा जलता है, तो उनके ताल्लुक से सरकार क्या फैसला करने वाली है। लॉकडाउन का फैसला लेना बहुत आसान बात है, लेकिन उन गरीबों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, चाहे वो मजदूर क्लास हो या ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो या कोई गाड़ियां चलाने वाले हो, छोटे छोटे ठेलों के ऊपर काम करने वाले हो, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनके बारे में भी सरकार को प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि अगर ये लॉकडाउन पुलिस के डंडे के बलबूते के ऊपर चला रहे हैं तो हम किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अगर कोई इंसान बाहर निकलता है तो उसकी मजबूरी के तहत निकलता है। अगर उसके लिए अगर आप रास्ते बना रहे हैं, अगर आप उसके लिए पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, तो हम चाहे वो जिलाधिकारी हो या म्युनिसिपल कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो या विभागीय आयुक्त हो, उनको ये कहना चाहेंगे कि आप ऐलान करते वक्त ये भी ऐलान करना कि औरंगाबाद में हम ये 50 जगह के ऊपर खाने का इंतज़ाम करने वाले हैं सरकार की तरफ से। आप लोगों को इस तरह से सड़क के ऊपर भूखा नहीं छोड़ सकते हैं और ये कहेंगे कि अब हम 10 दिन शहर बंद कर देंगे, क्योंकि सबके पेट भरे हुए हैं। गरीबों के बारे में भी किसी ना किसी को सोचना पड़ेगा, तो आपकी मीटिंग के अंदर आप जो भी फैसला ले हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन गरीबों के पेट भरने के ताल्लुक से भी आपको ऐलान करना पड़ेगा। जितना एहतियात हो सकती है उतना एहतियात करिएगा, जो मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आज दूसरे शहरों के अंदर अगर ये नहीं हो रहा है लॉकडाउन, तो उसकी मुख्य वजह यही है कि वहाँ पर लोग एहतियात ज़्यादा बरत रहे हैं, हम भी यहाँ पर, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों की वजह से अगर ये पूरे शहर को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फैसला होगा जनता के हक में होगा, सिर्फ इतना है कि पूरी एहतियात बरतिएगा, और एहतियात बरतने का मतलब ये है कि मास्क लगा कर लीजिएगा।